अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं दोपहर की रूटीन बताने लगी हूँ अपनी, कि मैं दोपहर की मेरी क्या रूटीन है। बच्चे इस टाइम मेरे खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनके खेलते तक मैं अपना खाना बना लूँ, इसलिए मैंने आज के खाने के लिए दाल माश निकाली थी। दाल माश मैंने भिगो के रख दी है, मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगोई है ताकि ये जल्दी नरम हो जाए। चलिए जी, मैं मसाला काट लेती हूँ। प्याज मैंने काट लिए हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, यही यूज़ करूँगी। ये एक अदर टमाटर हम यूज़ करें। दाल को मैंने धो के अच्छे तरीके से बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा बॉयल करूँगी ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और जब तक हमारी दाल सॉफ्ट हो रही है, तब तक हम साथ मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने पहले ऑयल डाला है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सो मैं प्याज ऐड कर दूँगी। अब प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। प्याज जब हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें अब मैं 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी ताकि मेरे टमाटर जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की कोई भी स्मेल ना आए और टमाटर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दूसरी साइड पे हमारी दाल भी बॉईल हो रही है, हम दाल भी चेक कर लेते हैं। अभी ये बहुत हार्ड है, इसमें थोड़ी देर और बॉईल होने के लिए पड़ा रहने देंगे। हाँ जी, तो अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुना जा चुका है और टमाटर भी काफ़ी अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में मैं हल्दी ऐड करूँगी। इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। हल्का सा पानी ऐड करेंगे। मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन अब मुझे सिर्फ दाल के गलने का इंतज़ार है। जब तक ये नहीं गलती, मैं मसाले की आंच बिल्कुल बारीक कर देती हूँ। दाल अभी नरम नहीं हुई है, जब तक ये नरम होती है उतनी देर तक मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। मैं दाल को चेक कर लेती हूँ, दाल मेरी बिल्कुल गल चुकी हुई है। अब मैं इस दाल को अपने मसाले के अंदर ऐड करूँ। अब इस पॉइंट पे मैं इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। साथ ही हमारे मुन्ने को भी रोने का याद आ गया, और ये रोना सिर्फ माँ के पास आने के लिए था, अब कोई रोना नहीं है। अब मैं दाल में धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके इसे दम पे रख दूँगी। तो गाइज़, ये थी आज की मेरी दोपहर की रूटीन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।